हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 5 कलर की वूल ली है। आप इसको पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फंदे लूंगी। तो देखिए, फंदे बिल्कुल मैं सिंपल ले रही हूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम फंदे ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 28 फंदे इसमें ले लिए हैं। आपको 4 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं, आप जितना मर्जी इसको बड़ा बना सकते हैं। और देखिए, फर्स्ट रो में ही डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए, 16 फंदे मैंने बुन लिए हैं। आप देखिए, यहाँ पे हम फ्लावर डालेंगे तो उसके लिए येलो कलर लगाएंगे। 1 2 2 हमने येलो कलर से बुने, उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा कलर भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हमने ग्रीन बुने, 2 बिना बुने छोड़ दिए। और वूल को इधर किया, सलाई को मैंने पलट लिया। अब इधर से जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। ग्रीन है उसको हम ग्रीन से बुनेंगे, येलो है उसको येलो से। ये देखिए, इधर की रो में आपको कुछ नहीं करना है। अब हम इसको ऐसे क्रॉस करा देंगे, इसको आगे लाएंगे, 2 फंदे हम येलो से बना लेंगे। अब इसको पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे ऐसे। बाकी ये फंदे जो हैं इनको हम इसी कलर से उल्टा बना लेंगे, इस तरह से। देखिए, पूरी रो लास्ट तक हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए, इसको हम इस साइड से उल्टा बुनेंगे, उल्टे तरफ से हम इसे उतारेंगे ताकि यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो देखिए, यहाँ से मैंने पलट लिया इसको अब हम उतार लेंगे, बूल को अपने तरफ करेंगे। आप देखिए, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए, फिर से हमने 16 फंदे बुने, इसको ऐसे किया, और 2 फंदे हम येलो कलर से बुन लेंगे जो फ्लावर के हैं। ये देखिए, इस तरह से। और देखिए, ये बना लिए। अब ग्रीन वाले हम इसी कलर से बना लेंगे। 2 3 4 5 6 6 फंदे हमने बुने, 2 ग्रीन के यहाँ पे छोड़ दिए। और यहाँ से हम पलट लेंगे और यहाँ से इस रो को पूरा करेंगे ऐसे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम क्रॉस कराएंगे, इसको आगे लाएंगे येलो को। तो यहाँ से हमने 2 फंदे येलो बनाए। अब येलो को हम पीछे कर देंगे, इस वाले को आगे लाएंगे। यहाँ से पूरी रो इसी कलर से हम बुन लेंगे ऐसे। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन के कंप्लीट होता है और काफी प्यारा बन जाता है। देखिए, लास्ट तक मैंने ये रो बना ली। ये देखिए, आप देखिए, हम इसे पलट लेंगे, वापस हम इस फंदे को उतार लेंगे उल्टे तरफ से। आप देखिए, बूल हमने इधर किया। अब यहाँ से देखिए, 2 3 4
पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। ये देखिए, बारह फंदे हमने बुने, चार चार फंदे। ये हम आगे इधर को ऊपर के साइड जाएंगे तो फ्लावर डालते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये चार रो हो गई, दो इधर से, दो इधर से। तो अब देखिए, यहाँ से हम ये वाले दो फंदे यहाँ से येलो से बुन लेंगे, एक और दो। अब देखिए, यहाँ से हमने ये दो येलो बुने, उसके बाद हमने ग्रीन कलर ले लिया। तो यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ फिर से ग्रीन बुने, दो बिना बुने छोड़ दिए। और यहीं से हम पलट जाएंगे और यहाँ से देखिए, जो जैसा है उसको हम लास्ट तक ऐसे ही बुनेंगे। ग्रीन है उसको ग्रीन से बुनेंगे, येलो है उसको येलो कलर से बुनेंगे। ये देखिए, इसको हम क्रॉस कराएंगे और यहाँ से देखिए, ऐसे दो फंदे हमने ये बुन लिए। अब हम इसको पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे, पूरी रो हम इसी कलर से बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सीधे तरफ से रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए, हम यहाँ से उतार लेंगे इसको और बुन को इधर करके, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। ये देखिए, फिर से हमने बारह फंदे बुने, ये चार चार रो एक जैसी निकलती हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये बुन लिए दो फंदे। अब हम इन फंदों को, ग्रीन बालों को, इस कलर से बना लेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः फंदे बुने, दो बिना बुने फिर से छोड़ दिए। और देखिए, यहाँ से जो जैसा है उसको हम वैसे ही लास्ट तक बना लेंगे। इधर की रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, हम यहाँ से वापस इसको उतारेंगे बूल अपने तरफ, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब देखिए, आठ फंदे हमने बुने, चार फंदे इधर कर दिए। तो यहाँ से अब हम ये एक, दो, इस तरह से ये फ्लावर डालेंगे। और देखिए, यहाँ से अब हम एक, दो, इसको बंद कर देंगे फ्लावर को। देखिए, ये चार रो में ये पूरा हो जाता है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, दो बिना बुने छोड़ दिए। यहीं से अब हम पलट लेंगे और यहाँ पे देखिए, जो जैसा है उसको वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए, अब ये रो कंप्लीट करने के बाद हम इसको फिर से उतार लेंगे, बुल अपने तरफ करेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ फंदे बुनने के बाद दो फंदे हम ये येलो से बुनेंगे और उसके बाद हम इसी कलर से बुन देंगे ग्रीन वाले, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ हो गए, यहीं से अब हम पलट जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जो जैसा है उसको वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, इधर की रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए, हम यहाँ से इस फंदे को उतार लेंगे और देखिए, दो, तीन, चार, चार फंदे बुनेंगे। और देखिए, यहाँ से एक, दो, ये वाले बना देंगे। यहाँ से अब हम ग्रीन कलर लगा देंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ बनाने के बाद दो छोड़ दिए। यहीं से अब हम पलट लेंगे और इस रो को पूरा करेंगे यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से हम वापस इसको उतार लेंगे और यहाँ पे देखिए, दो, तीन, चार, चार बनाने के बाद ये देखिए, इस तरह से एक और दो, ये वाले फंदे ग्रीन के इस कलर से बना देंगे, बेस कलर से, दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से पलट जाएंगे, ये रो हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, इधर की रो कंप्लीट करने के बाद देखिए, लास्ट के जो दो फंदे हैं इनको हम येलो से बनाएंगे। यहाँ पे फ्लावर डलेगा और यहाँ से देखिए, ये वाले फंदे ग्रीन से, दो, तीन,
चार, पाँच, छ, सात, आठ, दो बिना बुने छोड़ दिए हैं, इसे पलट लिया। यहाँ से ये रो हम पूरा करेंगे। आप देखिए इसको उतार लेंगे और यहाँ पे एक फंदा बना लिया मैंने। अब यहाँ से देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः बनाने के बाद यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसको अब हम क्रॉस कराएंगे, येलो को आगे लाएंगे, येलो से ये दो फंदे ऐसे। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे ये चार चार फंदे ऊपर से इस तरह से ऊपर को जाना है। और यहाँ पे देखिए ये हाफ कली बनके कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से देखिए अब इधर से लास्ट के दो फंदे तक हम इसको ग्रीन से ही बना देंगे। ये सेंटर की रो रहेगी इसमें, जो बीच में आउटलाइन आएगी। तो यहाँ से देखिए तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस। छब्बीस फंदे बुन लिए मैंने, दो ये बेस कलर वाले छोड़ दिए। और यहाँ से इधर से हम पूरी रो ग्रीन से ही बनाएंगे। उल्टा इधर की रो मैंने कंप्लीट कर ली। अभी देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ऊपर के साइड आई, अब मैं अंदर के साइड नीचे के साइड जाऊंगी। तो यहाँ से लास्ट के ये जो दो फंदे हैं यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ से हम दो फंदे पहले येलो से बुनेंगे ऐसे, उसके बाद देखिए अब ये वाली रो बनेगी। तो यहाँ से देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः फंदे बुन के हम यहीं से पलट लेंगे। यहाँ पे जो जैसा उसको वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए अब हम इसको क्रॉस करा देंगे, इसको आगे लाएंगे, दो फंदे हम येलो से बना लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम यहाँ से देखिए वापस दो फंदे इससे बुनेंगे। और देखिए यहाँ से एक, अब हम ग्रीन लगा लेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो आगे से ले लेंगे बिना बुने हुए। ये देखिए ऐसे यहीं से पलट लेंगे ऐसे। इस तरह से इसको अब हम क्रॉस करा देंगे। ये दो फंदे हमने येलो से बुन लिए ऐसे। अब देखिए यहाँ से इन फंदों को हम इस बेस कलर से येलो वालों को बुन लेंगे। अब देखिए दो ऐसे, देखिए ये देखिए तीन, चार, ये देखिए चार फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब देखिए हम यहाँ पे फ्लावर डालेंगे, तो दो फंदे हम येलो से बुनेंगे। उसके बाद ये देखिए एक, दो, तीन, चार, अब दो फंदे हम आगे से लेंगे, पाँच और छः यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए इधर की रो जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। इधर की रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए यहाँ से इस फंदे को हम उतार लेंगे भूल अपने तरफ। ये चार फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे। अब इसको हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ये दो फंदे येलो और ये वाले फंदे जो हैं इनको हम ग्रीन से बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो आगे से लेंगे, सात, आठ यहीं से पलट लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसे ही बुनेंगे। आप देखिए सीधे तरफ से हम इस फंदे को वापस उतारेंगे। और देखिए दो,
तीन चार, चार फंदे ये बुने, यहाँ पे चार रो हो गई, तो इस फ्लावर को हम बंद कर देंगे। पांच छः और देखिए सात आठ, आठ फंदे यहाँ पे देखिए हमने बनाए। अब हम यहाँ से वापस फ्लावर डालेंगे, तो देखिए एक दो, दो फंदे हमने इस कलर से बुने, और यहाँ पे देखिए ये वाले फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे। ये दो दो रो हम बना रहे हैं, ऐसे दो फंदे आगे से लिए, यहीं से पलट लेंगे, और यहाँ से जो जैसा है देखिए उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इधर की रो कंप्लीट कर ली, और देखिए यहाँ पे एक और दो, तीसरा फ्लावर ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखिए हम ऐसे ही दो फ्लावर और डालेंगे, यहाँ तक ये फंदे हम ले लेंगे। सेम तरीका है, ये चार रो के बाद आपको चार फंदे अंदर के साइड जाना है, तो हम इतना करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लावर डाल लिए हैं, यहाँ तक फंदे ले लिए। लास्ट में हमारे पास दो फंदे बचे हैं जिसको मैं इसी कलर से बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ से इस फंदे को उतार लिया, पूरे 28 फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे लास्ट तक, और यहाँ पे हम दो रो कंप्लीट करेंगे, एक इधर से और एक उधर से। ये देखिए इन फंदों को भी हम इसी कलर से ही बना लेंगे, लास्ट तक जाएंगे इस कलर से, जैसे हमने स्टार्ट किया था ठीक वैसे ही एक कलर से फंदे हो जाएंगे। यहाँ पे गैपिंग आएगी सिर्फ आपकी लास्ट में, तो यहाँ पे आपको फंदा उठा के ऐसे बुन देना है। ये देखिए बाकी आपके यहाँ पे कहीं भी फंदा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये रो हम पूरा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रो मैंने कंप्लीट कर ली, इसी के साथ ये कली कंप्लीट होती है पूरी। अब हम यहाँ से सेकंड कली दूसरे कलर से बनाएंगे, तो यहाँ पे हम वाइट कलर ले रहे हैं, आप अपने मर्जी का कलर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ये कलर लगा लिया, और इस रो में हम सारे फंदे इसी कलर से बना लेंगे, एक रो इधर से और एक उधर से, दो रो बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो रो कंप्लीट हो गए। आप देखिए यहाँ से हम इस फंदे को उतार लेंगे, और देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। ये देखिए सोलह फंदे हमने बुने, जैसे हमने यहाँ पे सोलह फंदे बुने थे ठीक वैसे ही आप यहाँ पे भी देख के बना सकते हैं अगली कली जो स्टार्ट होगी, और हम ये रेड कलर से इसमें फ्लावर लेंगे। तो आप चाहें तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। ये देखिए एक और दो, दो फंदे हमने इस कलर से बनाए, उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रीन कलर लगाना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बुन लिए, दो बिना बुने छोड़ दिए, यहीं से हमने पलट लिया। ये देखिए इसकी भी हमने आपको स्टार्टिंग दिखा दी है, इसी तरीके से हम पूरा ये बना के कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।